नमस्कार दोस्तों, ओके क्रेडिट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और आज हम जिस बिजनेस की बात करेंगे ना, एक हिंट देती हूं, वो चीज़ हमारे सबके घरों में है, वो चीज़ हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, आजकल तो उस चीज़ की इतनी डिमांड है ना कोरोना के चलते कि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है ये चीज़। तो आपने गेस कर लिया मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, साबुन की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल बार बार साबुन के साथ हाथ धोने पड़ रहे हैं, हैंड वॉश के साथ हाथ धोने पड़ रहे हैं कोरोना की वजह से। और नौबत यहाँ तक आन पड़ी है कि मार्केट में अब कई साबुन, कई हैंड वॉश जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। तो हमें ऐसे कमेंट्स भी आए। वैसे मैं बता दूँ, आज मैं भी साबुन लेकर आई हूँ। मैं साबुन इसलिए लाई हूँ ताकि मैं बताऊँ आपको कि ये एक ऐसी बेसिक नीड है जो हर किसी के घर में होती है, और अगर इसका बिजनेस खोला जाए ना तो तरक्की ही तरक्की है, मुनाफा ही मुनाफा है। और कमेंट्स हमें बहुत सारे आ रहे थे कि भाई साबुन के बिजनेस पे बताइए कि साबुन का बिजनेस कैसा चल सकता है। तो आज उसी पर बात करेंगे। बात करेंगे कि साबुन के बिजनेस में लागत कितनी लगती है, मशीनें कौन सी यूज होंगी, मशीनें कितने तक की आएंगी, मुनाफा किस स्तर तक आपको हो सकता है। और हाँ, एक बात की आपको गारंटी दे दें कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, क्योंकि कोरोना भी है इन दिनों। तो हालांकि भगवान करे ये कोरोना जल्दी से जाए और हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़े, लेकिन हाँ, साबुन क्योंकि 12 महीने ही यूज होता है, तो साबुन के बिजनेस के बारे में आज बात करेंगे। साबुन बनाने की मशीनों का कुल खर्च लगभग 60,000 से 1,00,000 तक होता है। मशीनें कैपेसिटी के अनुसार होती हैं। मशीनों को चलाने के लिए एक मोटर की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है। बात की जाए रॉ मटेरियल की, तो ये आपके बजट और काम पर डिपेंड करता है, आप कितना ले सकते हैं और कितना खपा सकते हैं। फिर भी अंदाजन आप 3,000 से 10,000 तक के रॉ मटेरियल से शुरुआत कर सकते हैं। जगह की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 100 वर्ग फीट जगह की जरूरत होगी। बाद में जैसे जैसे बिजनेस बढ़े आप स्पेस भी बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए मशीनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो इंसान की जगह मशीनों ने ही ले ली है, तो मशीनें भी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। लेकिन हाँ, हम इंसान भी किसी से कम नहीं है, मशीनें चलाने वाले भी तो हम इंसान ही हैं। तो चलिए बात करते हैं कि साबुन के बिजनेस में मशीनें कौन सी यूज़ होंगी। इसके लिए आपको 3 मशीनों की ज़रूरत होती है, मिक्सिंग मशीन, मिलर मशीन, शॉप प्रिंटिंग मशीन। अलावा आप चाहें तो पैकेजिंग मशीन भी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आपका बजट कम है तो शुरुआत में आप मैनुअल पैकिंग से भी काम चला सकते हैं। अब सवाल ये है कि मशीनें मिलेंगी कहाँ पर, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। अब सवाल ये है कि साबुन बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाए, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। शॉप नूडल्स, स्टोन पाउडर, परफ्यूम, पानी और रंग, ग्लव्स और मास्क, ये सभी चीज़ें आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। काफी सारी वेबसाइट भी हैं जिनमें आप ऑनलाइन इन्हें मंगा सकते हैं। हम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रहे हैं, आप इन्हें ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब हम बताने जा रहे हैं वो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी, क्योंकि ये बिजनेस एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत आता है, इसलिए सबसे पहले आपको लैंड यूज और निगम लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और ये एक केमिकल पर आधारित बिजनेस है, इसलिए एनवायरमेंट कंसेंट लाइसेंस का होना भी जरूरी है। हालांकि बिजनेस का कंप्लीट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। तो चलिए, आप सोच क्या रहे हैं, अभी तो आप साबुन से हाथ रगड़ रगड़ के धो रहे थे, अब साबुन बनाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा लागत नहीं लगने वाली। मशीनों का रेट भी हमने बता दिया है और कितना लगभग आपको रॉ मटेरियल चाहिए इसका भी अंदाज़ा हमने दे दिया है। बाकी की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, और हाँ, हमारे साथ बने रहिए नए अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ, अपना ध्यान रखिए, COVID-19 है, सेफ घर में रहिए और साबुन से हाथ धोते रहिए। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।